नमस्कार, मैं हूँ रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के पीजी कॉलेज में विद्यार्थियों ने सौंपा ज्ञापन। स्कॉलर आवेदन में आ रही समस्या, आवास भत्ता योजना की दोनों किश्तों की राशि की मांग को लेकर मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश के नाम विद्यार्थियों ने प्रशासनिक अधिकारी इंजू खान को सौंपा ज्ञापन। आवेदन में विद्यार्थियों के द्वारा बताया गया कि अगर एडमिशन प्रक्रिया पूरी होने के पहले स्कॉलर आवास की दोनों किश्तों की राशि नहीं आती है तो समस्त विद्यार्थी एडमिशन फीस नहीं देंगे। विद्यार्थियों का कहना है कि अगर हम एडमिशन लेने से वंचित रह गए तो इसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन व कॉलेज प्रशासन की रहेगी। विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रशासन को कहा है कि अगर शासन स्कॉलर आवास की पूरी राशि समय से नहीं देता है तो हमें भी हमारी परीक्षा फीस एडमिशन फीस 50% वापस की जाए। अगर 5 दिवस के भीतर हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो कॉलेज परिसर के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन मध्य प्रदेश शासन की होगी। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। तो बच्चे कहाँ से लाएंगे? इसमें बच्चों काफी तनाव में है, वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे और वह काफी समस्या से गुजर रहे हैं, तो जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, इसी को लेकर प्राचार्य महोदय के नाम ज्ञापन दिया था। बताइए आपकी क्या समस्या थी? जोर से बोलो। तुम्हारी? जोर से बोलना दे। तुम्हारी क्या समस्या थी? उसमें कुछ समस्या आ रही है, आगे से बताया जा रहा भोपाल से होटल नहीं चल रही। अच्छा, इधर आप लोग? आज तक 3 महीने हो गए आवाज। जोर से बोल। छात्रवृत्ति का फॉर्म डाले हुए, अभी तक छात्रवृत्ति का अकाउंट में नहीं आई है और आवास योजना के तहत दोनों किस्त नहीं डल रहे, इसके लिए हम आज आवेदन दिया है प्राचार्य को। अभी वर्तमान में जो कि स्कॉलर और आवास जो कि अभी तक नहीं डले और सेकंड किस्त में कटौती की जा रही, उसी मांग को लेकर आज हमने प्राचार्य को आवेदन ज्ञापन दिया है और हमारी मांगे जल्दी से जल्दी 5 दिनों के अंदर पूरी नहीं होती है तो हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन देंगे। जी, थैंक यू। अब आइए सर, आपकी क्या? ज्ञापन सौंपना आए थे प्राचार्य को। हमारी जैसे कि परीक्षा फीस पूरी पूरी वसूली गई है और हमारे हमें मतलब कि आवास किस्त सेकंड ही मिल रही है, जबकि हमारे को परीक्षा फीस पूरी ली जा रही है तो फिर आवास किस्त हमारे को एक ही क्यों मिल रही है? और अभी तक हमारे आवास के फॉर्म जमा नहीं हुए हैं और स्कॉलरशिप नहीं डली है, तो इसके बारे में हम प्राचार्य को ज्ञापन। एक और था ना दूसरा, विकास के नाम से एक आवेदन सौंपा था जिसमें मुख्य रूप से स्कॉलर की समस्याओं को लेकर और आवास की समस्याओं को लेकर आवेदन दिया था। आवास की अगर बात करें तो उसमें एक किस्त कटौती कर रही शासन, तो हमारे विद्यार्थी की यह मांग थी कि अगर हमारे साथ एडमिशन फीस